हेलो मैम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हेलो भैया, मेन्यू कार्ड होगा? मैम ये लीजिए मेन्यू कार्ड, और इसमें से देखकर अपना ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है। PANEER, ये सब क्या लिखा है? क्या रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड को देखकर आपकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो जाती है? तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और इस वीडियो में हम सीखेंगे मेन्यू कार्ड के अंदर लिखे हुए डिशेस को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना, जिससे कि आपको किसी भी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते टाइम बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प प पे आ की मात्रा, फिर व भ भ पे आ की मात्रा, ज ज पे बड़ी की मात्रा। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को इंग्लिश में ए लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लिख देंगे। फिर है व, व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। फिर है भ, भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं तो यहाँ बी एच लिख देंगे। भ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम बी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है ज, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ जे लिख देंगे। ज पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं, तो ये बन जाएगा पी ए वी पाव, बी एच ए जे आई भाजी, पाव भाजी। चाप मसाला, इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। च, च पे आ की मात्रा, फिर प, म, स, स पे आ की मात्रा, ल, ल पे आ की मात्रा। च को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं तो यहाँ हम सी एच लिख देंगे। च पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर सी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है प, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है स, स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ एस लिख देंगे। स पे आ की मात्रा है इसलिए आ की मात्रा के लिए हम एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे भी आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एल के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा सी एच ए पी चाप, एम ए एस ए एल ए मसाला, चाप मसाला। पालक पनीर, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प, प पे आ की मात्रा, ल, क, फिर प, न, न पे बड़ी की मात्रा, र। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ल, इसलिए यहाँ पर एल के आगे ए लगा देंगे। है क, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम के आगे ए नहीं लगाएंगे। अ को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एन के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। ये बन जाएगा पी ए एल ए के पालक, पी ए एन डबल ई आर पनीर, पालक पनीर। नवरत्न कोरमा, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। न, व, र, त, फिर न, क, क पे उ की मात्रा, र, फिर म, म पे आ की मात्रा। न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम
एन लिख देंगे। जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है न, इसलिए यहाँ पर एन के आगे ए लगा देंगे। फिर है व, व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिख देंगे। जब व बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम वी के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है तो, तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। जब तो बोल रहे हैं तो उसमें भी ओ की ध्वनि आ रही है तो, इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है नो, नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे और इसमें नो में अ की ध्वनि नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पर हम एन के आगे ए नहीं लगाएंगे। और दूसरी चीज़, नो आखिर में आ रहा है इसलिए भी हम एन के आगे ए नहीं लगाएंगे। है को, को को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। को पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं इसलिए यहाँ पर के आगे ओ लिख देंगे। फिर है रो, रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब रो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा एन ए वी आर ए टी ए एन नवरतन के ओ आर एम ए कोरमा नवरतन कोरमा। गोभी मसाला, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं इसलिए यहाँ पर जी के आगे ओ लिख देंगे। फिर है भ, भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं तो यहाँ हम बी एच लिख देंगे। भ पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है। देखिए ये जो गोभी है ये एक शब्द है तो इसलिए जो भ है ये इसके आखिर में आ रहा है और इस पे बड़ी की मात्रा है। और मैंने बताया था आपको कि जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो ये बन जाएगा जी ओ बी एच आई गोभी। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है स, स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे भी आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एल के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा एम ए एस ए एल ए मसाला, गोभी मसाला। छोले भटूरे तो आप सबको बहुत पसंद होंगे, मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी जान लेते हैं। छ को इंग्लिश में सी डबल एच लिखते हैं तो यहाँ हम सी डबल एच लिख देंगे। छ पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं इसलिए यहाँ पर सी डबल एच के आगे ओ लिख देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं इसलिए यहाँ पर एल के आगे ई लिख देंगे। फिर है भ, भ को इंग्लिश में भी एच लिखते हैं तो यहाँ हम भी एच लिख देंगे। जब भ बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है भ, इसलिए यहाँ पर बी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है ट, ट को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। ट पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं लेकिन यहाँ पर हम डबल ओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यू लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम भटूरे बोल रहे हैं तो उस पर जो ट है उस पर हम थोड़ा कम जोर देके बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे यू लगाएंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं इसलिए यहाँ पर आर के आगे ई लिख देंगे। तो ये बन जाएगा बी एच ए टी यू आर ई भटूरे, छोले भटूरे।
मिस्सी रोटी। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे आई लिख देंगे। फिर है आधा स, पूरे स को हम एस ए लिखते थे तो आधे स को क्या लिखेंगे, सिर्फ एस लिखेंगे। फिर से स है तो यहाँ हम फिर से एस लिख देंगे। स पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर एस के आगे आई लगा देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ओ लिख देंगे। फिर है ट, ट को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। ट पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर टी के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा एम आई डबल एस आई मिस्सी आर ओ टी आई रोटी, मिस्सी रोटी। पुदीना पराठा, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे छोटे उ की मात्रा है और छोटे उ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर पी के आगे यू लिख देंगे। फिर है द, द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पुदीना में तो द पे जो बड़ी की मात्रा है वो आखिर में नहीं आ रही, वो तो बीच में आ रही है, फिर भी हम आई का इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो उसका रीज़न ये है कि जब हम पुदीना बोल रहे हैं तो उसमें द पे जो बड़ी की मात्रा है उस पे हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम डी के आगे आई लगाएंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एन के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पी यू डी आई एन ए पुदीना। फिर से प है तो यहाँ पर हम फिर से पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ठ, ठ को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं तो यहाँ हम टी एच लिख देंगे। ठ पे भी आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर टी एच के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पी ए आर ए टी एच ए पराठा, पुदीना पराठा। मक्के दी रोटी, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा क, पूरे क को हम के ए लिखते थे तो आधे क को क्या लिखेंगे, सिर्फ के लिखेंगे। फिर से क है तो यहाँ पर हम फिर से के लिख देंगे। क पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम के आगे ई लिख देंगे। फिर है द, द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम मक्के दी रोटी बोलते हैं तो उसमें द पे जो बड़ी की मात्रा है उस पर हम थोड़ा कम जोर दे के बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर डी के आगे आई लगाएंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ओ लिख देंगे। फिर है ट, ट को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। ट पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा एम ए डबल के ई मक्के डी आई डी आर ओ टी आई रोटी, मक्के दी रोटी। राजमा चावल,
र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ज, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। अब ज बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पर हम जे के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है च, च को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं तो यहाँ हम सी एच लिख देंगे। च पे आ की मात्रा है इसलिए आ की मात्रा के लिए सी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है व, व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं लेकिन यहाँ पर हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम डब्लू लिखेंगे। जब व बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है व, इसलिए यहाँ पर हम डब्लू के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। तो ये बन जाएगा आर ए जे एम ए राजमा, सी एच ए डब्लू ए एल चावल राजमा चावल। दही भल्ला, द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। जब द बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है द, इसलिए यहाँ पर डी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ह, ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। ह पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर एच के आगे आई लगा देंगे। फिर है भ, भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं तो यहाँ हम बी एच लिख देंगे। जब भ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है भ, इसलिए यहाँ पर बी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ल, पूरे ल को हम एल ए लिखते थे तो आधे ल को क्या लिखेंगे, सिर्फ एल लिखेंगे। फिर से ल है तो यहाँ हम फिर से एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एल के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा डी ए एच आई दही, बी एच ए डबल एल ए भल्ला दही भल्ला। भेलपूरी, भ को इंग्लिश में भी एच लिखते हैं तो यहाँ हम भी एच लिख देंगे। भ पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं इसलिए यहाँ पर बी एच के आगे ई लिख देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। फिर है प, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं इसलिए यहाँ पर पी के आगे यू लिख देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है इसलिए यहाँ पर आर के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा बी एच ई एल भेल, पी यू आर आई पूरी भेलपूरी। वेज बिरयानी, व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। व पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं इसलिए यहाँ पर वी के आगे ई लिख देंगे। फिर है ज, ज को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे लेकिन यहाँ पर जब हम ज बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पर हम जी के आगे ए नहीं लगाएंगे। और दूसरी चीज़, वेज क्या है, एक शब्द है तो और ज आखिर में आ रहा है उसमें इसलिए भी हम यहाँ पर जी के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है ब, ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। ब पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं इसलिए यहाँ पर बी के आगे आई लिख देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। अब यहाँ पर भी र पे ओ की ध्वनि नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है य, य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम वाई के आगे ए लगा देंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है इसलिए यहाँ पर हम एन के आगे आई लिखेंगे। तो ये बन जाएगा वी ई जी वेज, बी आई आर वाई ए एन आई बिरयानी, वेज बिरयानी। दाल मखनी,
द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम डी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर हम एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है ख, ख को इंग्लिश में के एच लिखते हैं तो यहाँ हम के एच लिख देंगे। जब ख बोल रहे हैं तो उसमें भी ओ की ध्वनि आ रही है ख, इसलिए यहाँ पर हम के एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है तो इसके लिए हम एन के आगे क्या लगाएंगे, आई लगा देंगे। तो ये बन जाएगा डी ए एल दाल, एम ए के एच ए एन आई मखनी, दाल मखनी। वेज थाली, व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। व पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं इसलिए यहाँ पर वी के आगे ई लिख देंगे। फिर है ज, ज को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। यहाँ पर ज पे ओ की ध्वनि नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पर हम जी के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है थ, थ को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं तो यहाँ हम टी एच लिख देंगे। थ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम टी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है तो हम एल के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा वी ई जी वेज, टी एच ए एल आई थाली, वेज थाली। पनीर पराठा, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लिख देंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं इसलिए यहाँ पर एन के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पर हमने आर के आगे ए नहीं लगाया है। और दूसरी चीज़, पनीर एक पूरा शब्द है और उसमें र जो है आखिर में आ रहा है तो इसलिए भी हम र के आर के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है प, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें भी ओ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ठ, ठ को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं तो यहाँ हम टी एच लिख देंगे। ठ पे भी आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर टी एच के आगे भी ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा पी ए एन डबल ई आर पनीर, पी ए आर ए टी एच ए पराठा, पनीर पराठा। तंदूरी रोटी, त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी को इंग्लिश में ए एन भी लिखते हैं और ए एम भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम तंदूरी बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है तन, इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे ए एन लगा देंगे। फिर है द, द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं इसलिए यहाँ पर हम डी के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है इसलिए आर के आगे हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं इसलिए यहाँ पर आर के आगे ओ लिख देंगे। फिर है ट, ट को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। ट पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा भी आखिर में आ रही है तो हम टी के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा टी ए एन डी डबल ओ आर आई तंदूरी, आर ओ टी आई रोटी, तंदूरी रोटी। सलाद, जिसे इंग्लिश में सैलड बोलते हैं,
सो को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब सो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है सो, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ए लिख देंगे। फिर है लो, लो को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है द, द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। ये बन जाएगा एस ए एल ए डी सैलड। अब यहाँ पर हम इसे सलाद भी बोल सकते थे लेकिन इंग्लिश में सैलड बोला जाता है इसलिए हम इसे सैलड बोलेंगे। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी ये वीडियो। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना।